बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज हम पकाएंगे चिकन शामी कबाब। दाल अलग चढ़ेगी और कीमा अलग। अब हम सबसे पहले दाल चढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें दाल डाली, हमारी दाल है डेढ़ पाव। इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था, भीग चुकी है। अब इसको चढ़ा रहे हैं चने की दाल। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम नमक हसब ज़रूरत, जितना आपको सही लगे, क्योंकि हिसाब से डालिएगा, कीमे में भी डालेगा फिर नमक, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे छोटी छोटी बॉलें। क्या हो सकती हैं बॉलें, हैं बताएं क्या लग रही है। साबुत धनिया, सही है बच्चों, अच्छा अच्छा पकाना, ऐसे ना हमें बदनाम करा दो ज़माने में। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा भाई, ओ डल गया ज़ीरा। और अब हम इसमें डालेंगे ठंडे ठंडे मसाले। क्या होता है ठंडे मसाले, यानी गरम मसाला। गरम मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इसको कूटा, हमने पीसा नहीं, हमने मार मार के कूटा। अब हम इसमें डालेंगे सिरका, ये देखो थोड़ा सा सिरका डाला है। अब इसमें हम डालेंगे चिल्ली सॉस, चिल्ली सॉस हमारे पास है नहीं, लेकिन वो भी डलेगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। चिल्ली सॉस अभी हमने मंगवाया, अभी हमारा आया नहीं, वो भी हमें हसब ज़रूरत ज़रूर डालना है। पानी भी हसब ज़रूरत डालना है, ये पानी डल चुका है। अब हम चढ़ाएंगे चिकन, अलग अलग डालने इसका अलग ही टेस्ट बनता है। चिकन है हमारा, ये कीमा है 3 पाव, डेढ़ पाव दाल थी, और ये अब ये 3 पाव चिकन कीमा। हम इसमें डालेंगे हसब ज़रूरत नमक, नमक देंगे, उसमें भी डाला था तो इसमें भी अब हिसाब से डालिएगा, ऐसा ना हो तेज़ हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, पीस दिया हमने, कूट कूट के पीस दिया। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, सोया सॉस दोनों में डालेगा, दोनों में, और इसमें सिरका भी डालेगा, इसमें भी देखें थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं डालिएगा, ऐसा ना हो जायका ख़राब हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे दखनी मिर्चें, मैं तो इसको जख्मी मिर्चें कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च। अभी सफ़ेद डाली थी, अब काली, अब दोनों की लड़ाई होगी, वो कहेगी मैं गोरी हूँ, कह मैं काली, लड़ाई होने वाली बड़ी बड़ी। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी ही भी हसब ज़रूरत, जैसे चिकन का है इसमें तो थोड़ा कम ही डलता, इस चिल्ली सॉस इसमें भी डालेगा। बस हमारा चिल्ली सॉस आ जाए तो हम, अगर मैं नहा दिखा सकूँ तो आप लोग समझ जाइएगा इसमें चिल्ली सॉस डलेगा, ठीक है। ओके देखें गाइस, हमारा रायता तो तैयार है कबाब के साथ का, बाकी चीज़ें हम अभी दिखाते हैं आपको। देखें हमने दोनों चीज़ें अलग अलग चढ़ाई थी ना, अब ये पानी खुश्क हो गया तो हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये ठंडा होगा तो अब हम इसको पीसेंगे और बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। इसको थोड़ा ना जूसी रखना है, मतलब बिल्कुल खुश नहीं करना, फिर कबाब भी अच्छे नहीं बनेंगे, थोड़ा सा पानी होना चाहिए इसमें। ये देखें हमने चिकन पीस लिया है, कितना अच्छा पीसा है हमने, मशीन में पीसा है। आप जैसे चाहें सिल में पीसना, चाहें सिल में पीस लें, मशीन में। चलें आपको पीसते हुए दिखा दें। देखें हमने प्याज बारीक नहीं काटी थी, हम मशीन में पीस रहे हैं ना, इसलिए हमने बारीक चीज़ें नहीं काटी हैं। अगर आप सिल में पीसें तो बारीक चीज़ें हाथ से काटनी पड़ेंगी। प्याज और ये अदरक और हरी मिर्च है, और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया हसब ज़रूरत। हम मशीन में पीसे ना, इसलिए मैंने एंड का दिखाया है आपको, वो जो पहले दिखाया था वैसे ही पीसा था, एंड में ही डाल रहे हैं। फिर सारा मिक्स कर देंगे हम इसको कीमे, ठीक है। अब देखें हम इसमें डालेंगे एक कच्चा अंडा भी, तो ये और अच्छे कीमे के कबाब बनेंगे। अंडे भाई धोखा दे रहे हैं, आज छिलके गिरे जा रहे हैं, छिलके गिर गए। क्रंची कबाब, क्रंची।
अब एंड में थोड़ी सी काली मिर्च और डलेगी। देखें ये हम डाल रहे हैं, और हमारा चिल्ली सॉस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हमें उसी वक्त डालना था, नहीं आया, वो अब आया है, तो हम अब डाल रहे हैं चिल्ली सॉस। आप लोग या तो शुरू में डाल लिएगा जब पकाएं जब, या अब हम अभी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। ये देखें मिक्स हो रहा है कीमू, शामी टिक्कियों का कीमू। ये लो गाइस खा लें, कबाब नहीं खिलाएंगे हम, ऐसे खा लें, अपना खुद ही बना भाई, हम नहीं देंगे। देखें कबाब बन रहा है, और ये पिटाई, ये दड़ादड़ ऐसे बनाने, सब बनाना सीख लो, किसी को बनाने नहीं आते तो हर चीज़ बतानी पड़ती वैसे बच्चों। ये देखें हमारा कबाब तैयार है। देखें गाइस अब ये हमारे कबाब बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। नज़र नहीं लगाना बच्चों, वरना सबकी पिटाई करूँगी घर आकर। ये देखें अब हम इसको फ्राई करेंगे, अंडे पर डिप करेंगे। ये देखिए गाइस हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल हल्की आंच में, देखिए हल्की आंच। ये देखिए गाइस एक तरफ से तो हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी दूसरी साइड से फ्राई हो रहे हैं कबाब। ये देखें भाभी की रोटी गोल गोल, कबाब गोल गोल। अब ये नहीं समझ लेना सबके गोल गोल, हम गोल है तो गोल गोल चीज़ें बन रही है, खबरदार किसी ने हमारा मजाक बनाया। आ रहे हैं मज़ेदार कबाब, इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी बनाए खाएं, इंजॉय करें और बताएं आप लोगों कैसे बने थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लाफी।